इधर कुछ बात तो है तेरी बातों में जो बात यहाँ तक आ पहुंची। दोस्तों एक मिनट पहले मैं बैठ जाता हूँ। दोस्तों आप लोग डर गए होंगे ना, क्या करें, अभी जस्ट हम बस शूट के लिए ही आ रहे थे यहाँ पे, रास्ते में हमारी एक्सीडेंट हो गई और सॉरी दोस्तों, अब क्या करें, चाहे आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो, वीडियो तो डालना पड़ेगा ना, क्योंकि आपके लिए कुछ भी करूँगा मैं, चाहे जो हो जाए, चाहे मेरा पैर क्यों ना रहे, पैर में चोट लगा है थोड़ा सा, बस वीडियो बनाने के लिए ही आ रहे थे। अभी पटना में दोस्तों, दिल्ली से अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही, दो दिन पहले ही आया था मैं, घर में कुछ फैमिली में किसी रिलेटिव की शादी थी जिस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा और मेरी ये हाल हुई है। गाइस ऐसा कुछ नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं, ये सब पूरा दाम जाम आप जो देख रहे होंगे ऐसा टाइटल देख के ही आए होंगे। दोस्तों एक्चुअली बात यह है कि हमारी कॉलेज की एक प्यारी सी क्यूट सी एक लड़की है जिसका नाम सिफा है, और हम दोनों जब 3 साल तक हमारा जो मतलब पढ़ाई चला, साथ में घूमना फिरना हर चीज़ होता था, बट उसके दिल में जो भी चीज़ें थी वो कभी हमसे जाहिर नहीं की, और मुझे भी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी अच्छी लगती थी वो, अभी भी अच्छी लगती है वो, बट मैं जब 1 साल पहले दिल्ली शिफ्ट हुआ था तो 1 साल बाद अभी मैं मिलने के लिए, मतलब उसको कुछ बताया नहीं, वो मुझे मिलना है या कुछ भी, मैं अचानक से उसके आसपास के पार्क में मैं बैठा हूँ और मैं उसे बताऊँगा कि मेरी जो मेरी गेटअप आज देख रहे हो कि सिफा मेरा एक्सीडेंट हो गया है, वो तो पहले यकीन नहीं करेगी क्योंकि उसे पता है मैं दिल्ली में हूँ, और प्लीज़ सिफा मेरी एक्सीडेंट हो गई, प्लीज़ तुम यहाँ आ जाओ, प्लीज़ मुझे संभालो, जो भी चीज़ें, उसका क्या रिएक्शन होगा उस लड़की का, क्योंकि कॉलेज टाइम में कुछ भी मुझे होता था तो उसे सबसे पहले बेचैनी होती थी, परेशानी होती थी, क्योंकि उसके दोस्तों से क्या कि पता चल जाता है इंसान के दिल में क्या है आपके लिए फीलिंग, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में मेरे लिए थोड़ा बहुत जगह है, और अभी जगह बचा है या नहीं है आई डोंट नो, कॉल मैसेज के टच में हैं, बट अभी भी किसी भी लड़की से अगर किसी के करीब आ जाता हूँ तो उसकी गुस्सा साथ में आसमान पे रहती है, तो अभी मैं डायरेक्ट कॉल करूँगा कि सिफा मैं तुम्हारे घर के पास हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। हेलो, हाँ सिफा कहाँ हो आप? मैं घर पे, क्या हुआ? सिफा आप गोल घर आ सकते हो क्या? गोल घर क्यों? सिफा, सिफा मैं पटना आया हूँ। क्या हुआ? सिफा मैं यार जितना जल्दी हो सके तुम आ जाओ यार, सिफा प्लीज। क्या हुआ? सिफा मेरा एक्सीडेंट हो गया यार, बहुत चोट लगा हुआ है हाथ पैर में। मजाक कर रहे हो क्या? नहीं सिफा, मजाक क्यों करेंगे यार, जल्दी आ जाओ यार प्लीज ना। प्लीज सिफा यार, हम बोल नहीं पाएंगे यार, जल्दी आ जाओ यार, कोई नहीं, हम किसी को कॉल नहीं कर पा रहे। गोल घर के पास है यार, गोल घर के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, सिफा जल्दी जल्दी प्लीज। दोस्तों इतना काफ़ी है उसको पगलाने के लिए, बाकी जो भी होगा ना, हमें तो पता है कि ये सब देख के मस्त रिएक्शन निकलने वाला, बाकी जो भी आप लोग वीडियो में बने रहो, मिलता हूँ वीडियो के अंत में। इधर ठीक हो ना? ठीक है। अरे सही से बैठो, कैसे हुआ ये सब यार? ये ठीक हो ना?
ज्यादा चोट लगी है क्या? तुमको हम परेशान कर दिए यार, अब अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं? आप यहाँ कैसे? कैसे हुआ ये सब? यार कल ही आए दिल्ली से। कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसने करा ये सब? किसी ने नहीं किया यार, बाइक से गिर गया पूरा। अब अपना ध्यान नहीं रख सकते हैं यार, हमेशा से आप ऐसे लापरवाह ही रहेंगे। सॉरी शिफा यार, तुमको परेशान कर दिया हम। ज्यादा चोट नहीं लगी है ना? डॉक्टर के पास गए? ठीक हो ना शिफा? बस हमको घर तक पहुँचा दो यार। आप चले, मेरे घर चले, मैं बैंक से बात कर लूंगी। 10 मिनट बात कर लेते हैं, प्लीज ना चलते हैं। तुम परेशान मत हो शिफा, प्लीज। ये क्या हुआ आपके पास? चोट लग गया यार, गिर गए पत्थर पे, गिर गए। तुम आ गए ना, आप ठीक हो जाएंगे। चलो घर चलो, थोड़ी देर बाद जाएंगे ना, मेरे घर चलो। अभी हमसे चला नहीं जाएगा, रो मत तुम, प्लीज रो मत ना, प्लीज चले ना मेरे घर। देखो मैं ठीक हूँ यार, परेशान मत हो बस। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर कुछ नहीं बोला, बोला अंदर लगी है। छोड़ दो इसको, हाथ को छोड़ दो। तुम ठीक हो शिफा? तुम रो मत प्लीज, रो मत प्लीज। कैसे हो? रो मत प्लीज ना प्लीज, रो मत, रो मत प्लीज प्लीज शिफा, रो मत, रो मत। चले घर चले प्लीज। हम ठीक है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, घर चले प्लीज। शिफा शिफा चुप हो जाओ प्लीज, रो मत प्लीज ना। आप ठीक नहीं है, आप चले प्लीज। शिफा हम ठीक हो जाएंगे ना यार, एक्सीडेंट भी तो हुआ है। आँख ठीक है मेरा, बस चोट लगी है आँख में, प्लीज चले ना। चोट लगी है बस और कुछ नहीं। शिफा 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 रो मत प्लीज ना शिफा, प्लीज चले घर चले। यार कैसे जाएंगे अभी, बस प्लीज चले। दोस्तों को फोन किया हमको, देखो एक्चुअली चले ना शिफा, मेरे पास मैं ना चले, यहां पे प्लीज चलेंगे हम, जा रहे हैं ना शिफा। 2 मिनट रुक जाओ शिफा, 2 मिनट, 2 मिनट शिफा, शांत हो जाओ, रोना बंद करो शिफा, रोना बंद करो शिफा, रोना बंद करो प्लीज प्लीज, रोना बंद। हमने दवाई ली है, हम दवाई ली है, मेरी बात तो सुनो, हम क्या कहना चाह रहे हैं शिफा, शिफा शिफा यार रोना बंद करो प्लीज शिफा, आपने अभी कॉल करा मेरे को, ये ज्यादा दर्द है ना? मैंने ठीक है, ये हाथ ठीक है, प्लीज चले ना घर चले प्लीज, मासूम चले ना। मेरी बात सुनिए, मैं बात कर लूंगी, मेरी बात तो सुनिए शिफा, शिफा मेरी बात सुनो ना। क्या सुने शिफा यार, क्या सुने शिफा, चुप हो जाना प्लीज, रो मत, हम ठीक है। शिफा शिफा सुनो ना, रो मत ना शिफा, आप ऊपर बैठे प्लीज। शिफा रो मत प्लीज, रो मत ना प्लीज, ठीक है हम शिफा, ठीक है ना शिफा, शिफा हम ठीक है, शिफा चुप हो जाओ, रो मत शिफा, हम ठीक है। सॉरी घर इतने दिन बाद आए और तुमको रुला भी दिया, सॉरी। आपको जो मैंने बुलाया आप नहीं आए, और आप इतने दिन बाद यहाँ आके ये सब। शिफा मुझे नहीं पता ना था कि मेरी एक्सीडेंट हो जाएगी यार, मैं इधर से गुजर रहा था, मैं सोचा तुमसे मिल लूं और मेरी एक्सीडेंट हो गई। उसके बाद पता है 2 घंटे से मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं दोस्त को बुलाया हूँ, दोस्त आ रहा है। दोस्त क्या करेगा, ठीक कर देगा शिफा, सॉरी प्लीज चले, चलते हैं शिफा, तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, सब लोग देख रहे हैं शिफा, देखने दे शिफा, चुप हो जाओ ना प्लीज शिफा, प्लीज चुप हो जाओ शिफा, हम ठीक हैं। आपका हमेशा कहाँ है, आप अपना ख्याल नहीं रख सकते? शिफा शिफा सुनो, सुन सुनो शिफा, शिफा क्या सुने, सुनो सुनो ना यार, आप ऊपर बैठे। अरे शिफा कुछ नहीं हुआ है, मैं मजाक कर रहे थे यार, मजाक कर रहे थे। क्या सा मजाक है गंदा सा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, क्या ये सब
यार, मजाक कर रहे थे, प्रैंक चल रहा है। इतना गंदा मजाक किया था। सॉरी। जुगने जुगने से हमें नहीं बात करनी आपसे। अरे मजाक कर रहे हैं। हमें नहीं बात करनी आपसे, अब जाए प्लीज। एक तो इतना दिन बाद मिले, ऊपर से इतना गंदा मजाक। तो एक साल बाद मिले तो कुछ तो होना चाहिए ना सरप्राइज तुम्हारे लिए, शॉकिंग वाला। कुछ भी मतलब कर देना है, आपको पता है मेरे लिए क्या है। सॉरी ना, सॉरी, ये सब मजाक कर रहे थे यार, मजाक कर रहे थे, सॉरी। देख मुझे कुछ नहीं हुआ यार, रोना बंद करो ना प्लीज यार। जाए आप प्लीज, हमें बात नहीं करनी आपसे, हम घर जा रहे हैं। ऐसी पर रुको, मजाक कर रहे थे यार। ऐसा गंदा मजाक किया जाता है। सॉरी ना, गलती हो गई ना, नहीं करेंगे आज के बाद यार। तू, मुझे नहीं पता था यार तू इतना रोएगी। चुप हो जा, चुप हो जा, बैठो बैठो। सॉरी सॉरी यार, हमें आपसे बात नहीं करनी है। सॉरी, कान पकड़ कर। सॉरी, मजाक कर रहे थे, माफ कर दो यार। नहीं करेंगे आज के बाद, रो मत। कभी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, रो रो मत। यार इतनी क्यूट लड़की कैसे रो सकती है, इतनी क्यूट लड़की। तू इतना मास्क लगा के गर्मी लग रही है। चुप हो जा, अब बहुत गंदे हैं। अभी कुछ देर पहले कुछ बोली थी तुम। मैंने कुछ नहीं बोला। आह आह, अच्छा सुनो ना, दर्द कर रहा है, दवा दो ना थोड़ा सा। अच्छा सिर्फ एक बार मैं तोड़ दूँ। अच्छा पागल है, सच में टूट जाएगा तो मैं क्या करूँ। अच्छा थोड़ी देर पहले कुछ बोली थी तुम। अच्छा कुछ बोली थी तुम। क्या बोला मैंने? कि आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, क्या था ये लाइन? मैंने नहीं बोला कुछ भी। क्या था ये लाइन? क्या लाइन? कुछ लाइन तुम बोली थी ना। कुछ नहीं बोला कि आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, क्या था बोले? तो दोस्त तो इम्पोर्टेंट हो गई ना। मतलब तुम्हारी दोस्त सब जो कहती है वो बात सही है क्या? हाँ नहीं, हाँ सही नहीं है। अच्छा, रेशमी हमको बता रही थी ऐसे ही बोलती हैं वो लोग। तो फिर कॉलेज में क्या था वो? यार सॉरी ना, मजाक कर रहे थे। पुरानी क्या पुरानी बातें करनी है, हमें नहीं करनी आपसे बात। तुम अब मैसेज करेंगे तो इतना गुस्सा होगी? ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ठीक है ना, तो तुम्हारा वो लोग ऐसे ही बोलती हैं, उनकी बातों में आपका। अच्छा ठीक है, तो फिर कॉलेज में तुम मेरे लिए क्यों लड़ती थी? किसी लड़के से अगर बात कर लेते थे तो सिंपल बात है, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरा तो भाई। हम किसी लड़की से बात नहीं कर सकते, मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती है क्या? तू गर्लफ्रेंड बनाने आए? क्यों नहीं बना सकते गर्लफ्रेंड हम? तुम बॉयफ्रेंड नहीं बना रही हो तो हम गर्लफ्रेंड नहीं बना ले अपना? नहीं। तुम क्यों नहीं बनाए अभी तक बॉयफ्रेंड? मेरे को जरूरत नहीं है। मुझे उतना नहीं पता, ये पहले बता, कॉलेज में क्यों लड़ती थी सब लड़कियों से? ऐसे ही फ्रेंड हो मेरे। सच में लड़कियां अच्छी नहीं थी इसलिए। अच्छा तुम अच्छी हो ना। वो सब छोड़े, आपने ये क्यों करा? इतना गंदा मजाक किया जाता है। तो इतने साल बाद मिले तो कुछ तो होना चाहिए ना हम लोग। तो कुछ भी कर देना है, रॉकिंग शॉकिंग। हाँ रहने दे आप। अच्छा एक चीज बताओ, मतलब कॉलेज में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लड़के हैं, मेरे एक कॉल करने के बाद इतना तड़पते हुए एक शिफा नाम की लड़की दौड़ते हुए मेरे पास आई, वो तड़प क्या था? हम तो मजाक नहीं बना रहे, लेकिन मुझे अच्छा लगा इतना मेरे लिए। ऐसा कुछ नहीं, आप दोस्त हैं। पक्का दोस्त? हाँ दोस्त ही हैं। अच्छा हाँ दोस्त हैं। मैं जा रही हूँ, ठीक ना? जा रहे हो यार, आप इतना गंदा मजाक किए मेरे साथ, मुझे गुस्सा आ रहा है। आज के बाद ना कॉल मैसेज नहीं कीजिएगा। यार सिफा, अपने दोस्त को इतना बुरे हालत में छोड़ के जाओगे? जाए आप प्लीज। यार सिफा सॉरी यार, सुनो, सॉरी ना प्लीज, सॉरी ना प्लीज यार, सॉरी, माफ कर दो ना गलती। पानी आएंगे, काग उड़ा जाएंगे।